वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं इन्फिनिक्स XW01 की। ये है हमारे पास स्मार्ट वॉच का बॉक्स और हम सबसे पहले इसकी स्पेसिफिकेशंस की बात कर लें। इस साइड पे इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग है, इस साइड पे इन्फिनिक्स और उसका मॉडल नंबर लिखा हुआ है और कलर लिखा गया है। जबकि दूसरी साइड पर बात करें यहाँ पर भी इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग है, यहाँ पर डेट ऑफ मैनुफेक्चर, प्राइस और दूसरी इस तरह की मजीद चीज़ें लिखी गई हैं। अगर अगर हम इसकी मेन स्पेसिफिकेशंस की बात करें वो है इसकी बैक साइड पे, जिस पे सबसे ऊपर लिखा गया है इसका मॉडल इन्फिनिक्स XW01, हार्ट रेट IP67, फोन मैसेज अलार्म क्लॉक और कॉल रिजेक्शन भी हमें इसमें मिल जाता है, स्लीप मॉनिटरिंग भी हमें इसमें मिल जाती है। ये वॉच iOS और एंड्रॉयड दोनों के लिए है और इसकी ऐप दोनों पर ही अवेलेबल है। तो ऐप का नाम है इन्फिनिक्स लाइफ। सो सबसे पहले हम कर लेते हैं इसका बॉक्स ओपन। तो यहाँ पे इसकी लगी हुई है सील को हम कर लेते हैं ब्रेक। तो बॉक्स खोलने पे सबसे ऊपर मिलती है हमारी वॉच जो कि एक छोटे से बैग में है। इसके बाद हम बाकी कंटेंट्स देख लेते हैं। तो बाकी कंटेंट्स में हमें मिलता है एक अदद इसकी चार्जिंग के लिए केबल, साथ ही हमें मिलते हैं दो स्ट्रैप्स जो कि एप्पल वॉच से की तरह के ही हैं, उस तरह के नहीं है लेकिन उस तरह के ही हैं। इसके हुक पे आपको इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग भी मिल जाती है और यहाँ पे अंदर हमें मिल जाता है एक पेपर वॉल। अगर आप पहली दफा स्मार्ट वॉच यूज कर रहे हैं तो आपको इस पेपर वर्क की शायद पढ़ने की जरूरत पड़े, वरना तो आपको शायद ना ही पड़े अगर आपने पहले भी स्मार्ट वॉचेज यूज की हैं। तो ये काफी बड़े साइज का पेपर वर्क है, हम इसको साइड पर रख लेते हैं। अब हम आ जाते हैं अपनी वॉच की तरफ। तो ये आप देख सकते हैं हमारी वॉच, ये इसके ऊपर स्क्रीन प्रोटेक्टर प्री अप्लाइड है, बैक पे सेंसर दिया गया है। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं इसको पावर ऑन। तो ये टच नहीं है, आपको नीचे बटन मिलता है। तो ये कोई इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग नहीं मिली, डायरेक्ट हम इस पे आ गए हैं होम स्क्रीन पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका वॉच फेस। इसके बाद हमें मिलता है ये एक स्टेप काउंटर, ये नीचे एक बटन मिलता है, जैसे कि आप अगर मेरा कैमरा फोकस कर ले तो आपको शायद नजर आ जाए। तो ये पूरी स्क्रीन टच स्क्रीन नहीं है। ये एक्सरसाइज के बहुत सारे मोड मिल जाते हैं, ये ब्लड प्रेशर मेजर हम इससे कर सकते हैं, ये SP02 भी हम इसे मेजर कर सकते हैं और हम मैसेज वगैरह भी पढ़ सकते हैं जो हमारे मोबाइल पे आए या जाएं, तो सारे हम इस पे पढ़ सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ से, इससे हम अगर हमारा मोबाइल कहीं दूर पर है तो हम इससे पिक्स वगैरह भी ले सकते हैं अपने मोबाइल की मदद से, अगर हमने घर ही पहनी। यहाँ पे हमें रेडियो मिल जाता है और ये हमारे अदर्स मिलते हैं। इस पर लॉन्ग प्रेस करेंगे हमें बैक मिलता है और ये हम स्टाइल मिलते हैं, हमें तीन स्टाइल मिलते हैं जिसमें दो इन्फिनिक्स के हैं और एक हम अपनी तरफ से बना सकते हैं, अपने पिक्स वगैरह भी लगा सकते हैं। उसके बाद पावर ऑफ वगैरह के ऑप्शन मिल जाते हैं और अलार्म क्लॉक स्टॉप वॉच का ऑप्शन मिल जाता है। तो मैं आपको ये दूसरा वाला वॉच फेस लगा के दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं एक वॉच फेस इस तरह का है, एक जैसे मैंने आपको शुरू शुरू में आया था गोल वाला, उसको भी मैं आपको लगा के एक दफा दोबारा चेक करवा देता हूँ, एक उस तरह का है। और बाकी जो तीसरा वॉच फेस है वो हम अपनी तरफ से सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब अपनी तरफ से उसमें कलर वगैरह और कोई भी वॉलपेपर हम उसमें लगा सकते हैं। ये देख सकते हैं आप दूसरा ये वाला है, एक दफा दोबारा मैं चेक कर लेता हूं कि कोई और हमें वॉच फेस मिलता है उसमें या नहीं। ये आप वॉच से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने वॉच फेस बनाना है तो आपको अपनी जो एंड्रॉयड या iOS की ऐप है इन्फिनिक्स लाइफ उधर से बनाना पड़ेगा। हम इसकी ब्राइटनेस को भी कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो आपने ब्राइटनेस एक दफ़ा टैप करना है और जितनी आपने ब्राइटनेस सेलेक्ट करनी है उस पर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो उतनी ब्राइटनेस सेलेक्ट हो जाएगी। तो हम अब बैक चले जाते हैं और बाकी अब हम बात करते हैं इसके हार्ट रेट मॉनिटर की। तो
तो ये आप देख सकते हैं, ये इसका हार्ट रेट मॉनिटर, क्योंकि वो नहीं था हमारे पास हाथ में, हमने नहीं पहने थे, तो उसने रिकॉग्नाइज कर लिया है। ये आप देख सकते हैं, ये ब्लड प्रेशर, ग्रीन कलर की लाइट चलती है। अब हम इसका चेक कर लेते हैं, स्टेप काउंटर के अंदर भी हमें KCL वगैरह और भी फंक्शंस मिल जाते हैं। हम चेक कर लेते हैं इसका स्टेप काउंटर कैसा है। तो ये देख सकते हैं, मैं अपने हाथ को शेक कर रहा हूँ, देखता हूँ कि इसमें ज़्यादा होते हैं स्टेप्स या नहीं होते। तो 1042 से 1042 ही है, ये काफ़ी अच्छी बात है। हम इसको अब हम अपने स्ट्रैप को लगा लेते हैं। मैं पहली दफ़ा लगा रहा हूँ, लग जाए आज। ये मैंने लगा लिए हैं स्ट्रैप। इसके पीछे एक बटन मिलता था जिसको हम प्रेस करके इजीली लगा सकते हैं, वो मैंने बटन देखा नहीं, तो जी दोबारा निकल आए। चलो इसको मैं दूसरे को भी रिमूव कर लेते हैं, और आपको, आपने ये बैंड देख लिया है किस तरह का, तो आप ये आप नीचे देख सकते हैं, ये बटन हमें मिलता है, इसको प्रेस करके हम इसे लगा सकते हैं। अब हम इसकी चार्जिंग की बात करते हैं। इसका चार्जिंग मैकेनिज्म मुझे इतना कुछ खास नहीं लगा, क्योंकि इसको आपको क्लिप को खोल के उसके बाद आपको इसमें ढूंढना पड़ता है कि किस तरह आपने लगाना है, तो इससे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। वो बाकी जो चाइनीज स्मार्ट वॉच के होते हैं दूसरे वाले मैग्नेटिक, वो मुझे इससे काफ़ी हद तक पसंद आए, लेकिन पता नहीं किस वजह से इसको इस तरह से इन्फिनिक्स का चार्जिंग स्टाइल ही मेरे ख्याल से कुछ इस तरह का है, क्योंकि इन्फिनिक्स का जो एक्स बैंड है उसमें भी हम इसी तरह से चार्जिंग करते हैं। लेकिन ये यूज करना ऑकवर्ड हो जाता है, लेकिन अगर इसकी बैटरी टाइमिंग हुई 5 से 6 दिन से ज्यादा, तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं होगा। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। हम जल्दी